ये 250 ग्राम बेसन है और इसमें हम ये गरम मसाला डालेंगे एक चुटकी, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी। ये पानी है और इसमें हम ऐसे कड़ा कड़ा मार लेंगे। ये बेसन हमने मार लिया है कड़ा कड़ा, ये मर गया है। थोड़ा सा तेल है जो लगा दिया जिससे सूखे ना, इसलिए ये हम इसको चौड़ा चौड़ा ऐसे काट लेंगे रोटी को बना के। और बनाने के बाद ऐसे जैसे सेमी काटी जाती है उसी हिसाब से हमको काट लेना है। हमने कढ़ाई में तेल डाला है, खूब गर्म हो जाएगा तब हम इसे भूनेंगे। ये हमारी बन गई है, भुन गए हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे टमाटर और गरम मसाले से ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी है जो पूजा करती हैं उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ टमाटर की ही ग्रेवी तैयार करेंगे। और उसी में ये हम डाल देंगे। में थोड़ा सा जीरा डाल के, और हम टमाटर का सूप है जो इसमें डालेंगे, इस खौलते हुए ग्रेवी में इसे हम डालेंगे। ये हमारी सब्जी है जो तैयार है, इसको 5 मिनट बाद खा सकते हैं। 5 मिनट बाद ये है जो इसमें रसे में फूल जाएगी ग्रेवी में, और खान सब्जी तैयार। ये बन गई है सब्जी तैयार।